आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में बोहरा समाज द्वारा रविवार को नीमच सैफी हॉल में एक दिवसीय जिला स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच जिले के लगभग 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इस टेबल टेनिस मुकाबले में मुर्तजा कुआखेड़ा फिलर रहे। देखें खबर। फखरुद्दीन बोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि बोहरा समाज द्वारा एक दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच जिले के लगभग 14 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इस मैच में जीतने वाले प्रथम और द्वितीय खिलाड़ियों को सम्मान राशि के साथ शील्ड से नवाजा गया है। ये टूर्नामेंट प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ था जो दोपहर 2 बजे तक चला, वहीं जिसमें रेफरी के रूप में हकीमुद्दीन कुआखेड़ा और निर्णायक के रूप में आमिल साहब चेक जोहे बड़वानी वाले रहे। टेबल टेनिस टूर्नामेंट में विनर के रूप में मुर्तजा कुआखेड़ा और रनअप के रूप में अजीज कपाड़िया रहे। सर, यहाँ पे एक्चुअली 14 मेंबर्स जो रामपुरा अपने नीमच जिले के अंदर जो रामपुरा वगैरह आसपास से भी काफ़ी प्लेयर्स आए हुए हैं, जिसमें 14 प्लेयर्स ने भाग लिया। ये बुरहानी स्पोर्ट्स फिटनेस और स्पोर्ट्स के हिसाब से जो एक बोहरा कम्युनिटी का एक वो स्पोर्ट्स का एक फिटनेस के लेवल पर जो बना है उसके माध्यम से ये चीज़ कहाई जाती है और इसमें स्पोर्ट्स के दूसरे भी कई चीज़ें रखी जाती है, जिसमें अभी टेबल टेनिस टूर्नामेंट आज रखा गया है, जिसमें शवाबुल इजीज़ ज़हाबी ने इंतजाम किए हैं, जिसमें टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंदर 14 लोगों ने भाग लिया और उसको सफल बनाने के लिए काफ़ी हमारे सहयोगी भी यहाँ पर अभी हाल फिलहाल मौजूद रहे। ये एक दिवसीय आयोजन है, इसमें 10 बजे से मैच स्टार्ट हुए हैं और ये नॉकआउट टूर्नामेंट रहा, जिसके अंदर 12 मतलब जो मैच खेले गए उसमें टाइज हमारे को आगे से ही आई थी, जिसको डिसाइड आगे से ही हुआ था और उसी टाइज के हिसाब से मुकाबले हुए और उसी के हिसाब से विनर और रनर अप डिसाइड होंगे। विनर को 1100 रुपये का इनाम रखा गया है ट्रॉफी के साथ और 700 रुपये रनर अप को विथ ट्रॉफी। हमारे रामपुरा से जो प्रिंसिपल हैं, हमारे एक सर हैं हकीमुद्दीन सर, वो अभी हाल फिलहाल मौजूद हैं, वही रेफरी हैं अभी इस टूर्नामेंट के, और हमारे जो मतलब जनाब जो हैं जो निर्णायक के रूप में वो रहेंगे, जनाब शेख जोएब नाम है, तो वो रहेंगे। तो ये था आपका अपडेट, लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।